तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अनबॉक्सिंग के ऊपर कि ये जो टूल है हमारे पास बोल नोज है और इसकी अनबॉक्सिंग अब करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह की इसकी पैकिंग है, सिंपल से इसकी पैकिंग है, कोई इस पे जो है वो एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक है वो नहीं लगा हुआ इस पर। तो डायरेक्टली अब हम देख सकते हैं इसकी इस पर क्या इसकी है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है जो बोल रहा हूँ उसका टूल है, ये VMC के अंदर यूज होता है। तो 4FBN डाया दे रखा है, 88 का इसका डाया है और 2556 इसकी जो है लेंथ वगैरह दे रखी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसका टूल है जो कि VMC पे यूज़ होता है। और आपने क्या है कि कहीं पे अगर मशीनिंग प्रोसेस देखी होगी, आप अभी कहीं कंपनी में काम करते हैं तो इस तरह का जो टूल है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सिंपल से इसकी अनबॉक्सिंग है, तो ये वीडियो जितनी ही इसी की अनबॉक्सिंग के ऊपर ही थी। तो आपको वीडियो कैसी लगती है दोस्तों मुझे बताएं, और साथ ही अपने दोस्तों को भी क्या है कि ये वीडियोज़ वगैरह शेयर करें। साथ ही जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कटिंग और जो वो टीथ्स वगैरह हैं वो देख सकते हैं आप किस तरह से क्या है। टूल जो है हमारा कार्बाइड का है, वैसे तो क्या आपको देखते पता चल गया होगा टूल किस चीज़ का है, कार्बाइड का टूल है। इसका डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। तो सिंपल सा दोस्तों फॉर्मेट जानने के लिए और टूलिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे टूलिंग सेक्शन देख सकते हैं, साथ ही CNC प्रोग्रामिंग और क्वालिटी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।